हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों की बहुत बड़ी वाली कन्फ्यूजन जो है वो दूर करने वाली हूँ। आप लोगों ने मुझसे पूछा कि यार मेकअप करने से पहले कौन सा फेशियल ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, फेशियल ऑयल का इस्तेमाल करना ज़रूरी है भी कि नहीं, कि हम ऐवें पैसे फूकते रहें। यार हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, मतलब हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इतने महंगे महंगे सीरम्स जो है वो आते हैं, फेशियल ऑयल आते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही अच्छे वाले फेशियल ऑयल के बारे में जिसे आप डेली बेसिस पर भी लगा सकते हो और मेकअप करने से तो पहले आप उसे ज़रूर लगाइए। ठीक है जी, इन सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको देने वाली हूँ। बट मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आप लोग को पता लग जाएगा और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, तो जल्दी से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आती है कि हमें फेशियल ऑयल लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए। यार देखो, स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, प्रॉपर हाइड्रेशन देने के लिए हमें फेशियल ऑयल का इस्तेमाल करना ही चाहिए। मेकअप करने से पहले अगर आप स्किन केयर नहीं करोगे, फेशियल ऑयल्स वगैरह नहीं लगाओगे, तो आपका जो फाउंडेशन है वो थोड़ी ही देर में हिल जाएगा, फ्लॉलेस नहीं दिखेगा आपका मेकअप जो है, और आपकी स्किन जो है ना, मतलब नेचुरल सी नहीं लगेगी उस टाइम पर। मेकअप करने के बाद बिल्कुल ऐसे लगेगा कि सच में आपने मतलब नकली सी शक्ल लगाई हुई। तो आप मेकअप करने से पहले भी फेशियल ऑयल का इस्तेमाल लाजमी करें, जब आप स्किन केयर करें तब भी आपको फेशियल ऑयल का इस्तेमाल करना ही करना है। ठीक है जी, तो अब बात आती है कि हम फेशियल ऑयल कौन सा इस्तेमाल करें जो कि अफोर्डेबल भी हो और अच्छे ब्रांड से भी हो। तो ये जो वीडियो है ना, वो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, बिल्कुल भी कोलैबोरेटेड नहीं है किसी भी ब्रांड से। ठीक है जी, तो मैं आपको बताऊंगी आज इस फेशियल ऑयल के बारे में जिसका नाम है स्विस ब्यूटी गोल्ड सीरम। ये मैंने खुद से ख़रीदा था, इसको आई थिंक हो गया है एक साल, और आप देख सकते हो एक साल में मैंने इसे इतना जो है वो फिनिश कर दिया है, और ये अमेजिंग प्रोडक्ट है गाइस, सीरियसली बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। मैंने इसे कितने में ख़रीदा था मुझे अभी तो याद नहीं है, बट मैं स्क्रीन पे आपको बता दूंगी कि ये मैंने कितने का ख़रीदा था। इसे मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था purple.com से। आई थिंक मैंने पर्पल का आप लोगों के साथ हॉल शेयर किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने इसे परचेज़ किया है और ये अब तक चल रहा है, इतना मैंने इसको यूज़ कर लिया है। ठीक है, और इसकी क्वान्टिटी काफ़ी अच्छी खासी है, इस देख सकते हो इसके अंदर छोटे छोटे से स्पार्कल के जो चंक्स हैं, चंक्स तो नहीं है खैर, बट हल्का फुल्का सा, हाँ कह लो कि छोटे छोटे टाइनी चंक्स हैं इसके अंदर, पार्टिकल्स हैं, जो आपके फेस को मतलब एक अच्छा लुक आ जाता है, मतलब मेकअप करने के बाद जो छोटे छोटे जो चंक्स रह जाते हैं ना। एंड आप इसे डेली बेसिस पर भी इस्तेमाल कर सकते हो मेरे हिसाब से, मैं तो इसे डेली यूज़ कर रही हूँ। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक सेकेंड मैं आपको ना थोड़ा ये लाइट बंद करके दिखाती हूँ, एक सेकेंड, हाँ अब शायद आपको नज़र आएगा ढंग से। यहाँ पर आप देख सकते हो ये छोटे छोटे क्यूट क्यूट से चंक्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और ये लगाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब एकदम से हाइड्रेट कर देता है आपकी स्किन को। वेट, हाँ एक अब ठीक है, एकदम से हाइड्रेट कर देता है आपकी स्किन को, मतलब मेकअप का जो गंदे गंदे केमिकल्स होते हैं ना, वो आपकी स्किन के अंदर एक तो नहीं जाते हैं जब आप प्रॉपर अपना स्किन केयर कंप्लीट करते हो, दूसरा आपका मेकअप जो है बहुत ही अच्छे से निकल करके आता है, बहुत ही फ्लॉलेस लगता है जब आप कंप्लीट अपना स्किन केयर करते हो, फेशियल ऑयल लगाते हो, टोनर वगैरह सब कुछ आप अप्लाई करते हो। और इसकी जो पैकेजिंग है वो बहुत ही मतलब अच्छी वाली है, एक से दो ड्रॉप आप ले लो या जितनी भी आपको नीड है आप उतनी ले सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी इसकी पैकेजिंग है। ठीक है जी, तो नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्विस ब्यूटी गोल्ड सीरम ग्लोइंग हाइड्रेटिंग एंड एंटी एजिंग, और यहाँ पर ये क्लेम करता है कि ये सभी स्किन टाइप को सूट करता है एक्सेप्ट सेंसिटिव स्किन, मतलब जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो जो लोग हैं इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। पर हम देख लेते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स जो ये प्रोडक्ट जो है वो क्लेम करता है। यहाँ पर ये प्रोडक्ट बोलता है कि ये एक एंटी एजिंग फार्मूला है जो फाइन लाइन्स और रिंकल्स को रिड्यूस करता है, मॉइस्चर देता है, इस करता है हमारी स्किन को, डिहाइड्रेटेड जो स्किन होती है उसे हाइड्रेट करता है, स्मूथ और सॉफ्ट बनाता है, स्किन को लिफ्ट करता है, ब्राइटन अप करता है, और जो डिस्कलरेशन होती है हमारी स्किन की उसे भी ये रिपेयर करता है। ये हमारी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है, अगर हमारी स्किन डल है, ड्राई टेक्सचर है, तो उसे ये बहुत अच्छे से रिपेयर कर देता है। और इसे आपको लगाना होता है दिन में दो बार, सुबह और शाम को। आपकी स्किन को अच्छे से फेस वॉश करने के बाद आप टोनर का इस्तेमाल करें, टोनर इस्तेमाल करने के बाद इस सीरम को आप अप्लाई कर सकते हैं।
साथ ही साथ यहाँ पर ये कहता है कि जब आप इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन करते हैं स्किन के ऊपर, ये तो तुरंत ही आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेट हो जाती है और एक ग्लो प्रोवाइड करता है आपकी ये स्किन को। अगर आप इसको डेली अप्लाई करते हैं तो स्किन की इलास्टिसिटी को जो है ये इम्प्रूव करता है, फर्म बनाता है और यूथफुल बनाता है स्किन को। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी फाइन लाइन्स और रिंकल्स को भी ख़त्म करता है, डिहाइड्रेटेड स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, आप इसके इन्ग्रीडियंट्स वगैरह भी जो है वो पढ़ सकते हैं। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पर, एक्वाग्लिसरीन, बीटेन और पता नहीं क्या क्या। और यहाँ पर भी लिखा है इस प्रोडक्ट के बारे में कि ये जो सीरम है ये आपकी स्किन को जो है, मतलब आपकी स्किन के ऊपर कुछ रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, डिसकलरेशन है, डिहाइड्रेशन है, उसको ये ख़त्म करता है। ये जो फार्मूला है ये इन्वायरमेंट्स के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं ना, जैसे कि पॉल्यूशन वगैरह होता है, तो उससे जो हमारी स्किन के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, जो ख़राब हो जाती है हमारी स्किन, उसको भी ये ठीक करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है नेचुरली। और डेली एप्लीकेशन आप इसकी ज़रूर कीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। इस प्रोडक्ट के अंदर जो की इंग्रेडिएंट्स है वो है हायलुरोनिक एसिड, एंटी रिंकल है, लिफ्ट करता है स्किन को, ब्राइट करता है, रिपेयर करता है, हाइड्रेट करता है और ग्लोइंग बनाता है। क्वालिटी फ्री है और सभी स्किन टाइप्स को सूट करता है। और अंदर से मैंने इसकी पैकेजिंग आपको नहीं दिखाई है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो इनर पैकेजिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी मुझे। ग्लास बॉटल है और ये काफ़ी अच्छे वाला ग्लास बॉटल है, ये दो तीन बार मुझसे गिर चुका है और अभी तक टूटा भी नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसको कितना इस्तेमाल कर लिया है, इतना ही बचा है ये और मैंने इसको पूरा इस्तेमाल कर लिया है और बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में जो है वो यूज़ होता है। ऑलराइट गाइस, और ये आता है एक ड्रॉपर पैकेजिंग के साथ। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल वाटरी है। अगर आप सोच रहे हो आपकी स्किन ऑयली है और आप इसको नहीं लगा सकते तो आप शायद गलत सोच रहे हो, बिल्कुल वाटर जैसी इसकी कंसिस्टेंसी है। स्किन के अंदर बहुत ही जल्दी ब्लेंड हो जाता है और पता भी नहीं लगता कि आपने कोई सीरम लगाया भी है कि नहीं। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। और मुझे ये जो सीरम है ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है क्योंकि मैं इसको लास्ट 1 ईयर से यूज़ कर रही हूँ, मुझे ऐसा कोई इसके अंदर चीज़ नज़र नहीं आई कि मैं आपको मतलब सजेस्ट ना करूँ। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप इसे इस्तेमाल ना करें क्योंकि इस बॉटल के ऊपर लिखा ही हुआ है कि सेंसिटिव स्किन वाले इसको इस्तेमाल ना करें। ठीक है जी, तो इसकी सबसे ज़्यादा ना मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत प्यारी सी लगी है। ऑनलाइन मैंने इसे परचेज़ किया था और ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड या प्रमोटेड वीडियो नहीं है। और यहाँ पर पैकेजिंग के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ कि प्राइस और इसका जो क्वांटिटी है ये लिखा नहीं हुआ है। आई थिंक ये 50 ml का बॉटल है, मतलब मैं कन्फर्म करके आपको स्क्रीन के ऊपर जो है मेंशन कर दूंगी और अगर मुझे इसका लिंक मिलता है ना तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है जी, तो दोस्तों आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो मेकअप लगाने से पहले। जी हाँ, आप इसे प्री मेकअप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एज अ सीरम, तो मतलब सीरम तो ये है ही, आप इसे डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। मेकअप करने से पहले अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही ड्यूई और बहुत ही प्यारा सा एक लुक आता है। तो ये हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है गाइज, आप इसे ज़रूर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, अगर आपको ये रिव्यू वीडियो जो है वो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट ज़रूर कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों को पता लग जाएगा और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय।